वो याद है मुझे कि कहाँ कहाँ उनका नाम लिए हैं, सुना रहे हैं आपको। हाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, उसकी बात ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और दो कौड़ी के लौंडा जो जिंदगी भर पर्दा के पीछे मरवाते हुए आज दूसरे के भावनाओं के साथ खेल रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, उसकी औकात दिखाने हम आए हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम। के भगा लौंडे भगा के का सुना रहे हैं, जहां पे बड़ी नाम बड़ी आ जाए बातें कर रहा है, और कल एपिसोड के लिए आप सब उसमें तैयार नाम निकल रहिएगा। देना। हम आपसे बात कर रहे हैं, जहां जहां नाम लिए हैं 3 मिनट के बाद लिया है, देख लीजिए उसको स्क्रीन रिकॉर्डर ध्यान करके दीजिएगा सुनाइए सर, भाई को। देखिए राजन भाई, हम आपसे, आप एक कोई भी इंसान हो, मगहैया जवान भी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं उनका इज्जत करता हूँ। वो अश्लीलता का विरोध काम करें, बिल्कुल हमारी भोजपुरी ग्रो करे, हमारी भोजपुरी आगे बढ़े, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हमारी माँ बहन, अगर हमको माँ बाप, हमारे माँ बाप अगर ये YouTube देखते होंगे और उनको बेटे को कोई माँ बहन की इतनी गालियां देता होगा, महाराज समझ रहे हैं कि उनके दिल पे क्या लगता होगा। हमारी बहन देखती होगी आप हमें माँ बहन की गाली देते हैं, उनके दिल पे कितना चोट पहुंचता होगा, आप नहीं अच्छा समझ सकते। इसलिए कि आपको कोई गाली नहीं देता है राजन भाई, आपको कोई गाली नहीं दे रहा है, इसलिए आपको इसकी तकलीफ नहीं है। जिस दिन लाइव आके आपको भी कोई माँ बहन की गाली देगा ना, यहाँ खटकता है। इतना शोहरत, इतना पैसा रुपया कमाए, लेकिन हमारा कसूर यही है ना कि हम एक राजनीति का शिकार बन रहे हैं। हम कलाकारों को कोई भी लाइव आके गाली दे दे रहा है, जितने भी भोजपुरी में काम कर रहे हैं। एक कलाकार ही सबसे कमजोर जाति होता है क्या? अच्छा एक बात बताइए, थोड़ा मतलब इसको चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि हाँ खेसारी लाल यादव लाइव आते हैं सौम्या पोखरेल के लिए, कि पवन सिंह को हम हाँ नहीं जानते, ठीक। इसमें मतलब आपको ऐसा नहीं लगता है कि हाँ टारगेट करते हुए ये कहना कि हम अपने परिवार को बहुत ज्यादा टाइम दे, जान रहे हैं तलाक का मामला है, फिर भी उसमें टारगेट करना तो नहीं लगेगा कि देखिए, हाँ लोगों नहीं। नो डाउट आपका आपका फैमिली बहुत अच्छा है, आप बहुत प्यार करते हैं, चलिए इस चीज का सभी लोग मान सम्मान करते हैं कि नहीं खेसारी लाल यादव अपने परिवार को लेकर चलते हैं, सब लोग मानते हैं, लेकिन एक पार्टिकुलर समय पर वो टारगेट अठाइए कर देना। पहला बार वो बात बोले हैं कि हम अपने परिवार को प्यार करते हैं, चाहे अपने परिवार का बात किए हैं लाइव में। जब जब वो जब लाइव ऐसा आते, कुछ मामला होता है, जब जब ऐसा कुछ मामला ऐसा कुछ होता है मामला तब, नहीं होता है, जैसे तब पवन भी सिंह लाल सुनिए, आके बोले थे कि हमने लकीर खींचा है, उस मामले में भी बोले थे, आज भी बोले हैं, तो इसे जो फैंस हैं उनके वो क्या समझेंगे, आप खुद बताइए, काहे नहीं बोलेंगे आगे कि आप काहे बोल रहे हैं, आप काहे टारगेट कर रहे हैं। खेसारी जी अपने जन्मदिन के दिन, उस दिन तो कोई विवाद नहीं हुआ था, जितना लाइव आप वीडियो देखिएगा, बोले थे हम अपने बीबी के पास जाएंगे, अपना जन्मदिन मनाएंगे। अगर हमारी बीबी है, हमारे बच्चे हैं, तो क्या प्यार करना भी उनको गुनाह है? हम नहीं नहीं बोलने नहीं से भी नहीं बिल्कुल चले गए। जाइए, बिल्कुल प्यार कीजिए, बिल्कुल। तो उस दिन कोई विवाद भी आप तो नहीं मेरा हुआ है सुनिए ना, उस दिन राजन विवाद भाई, भी तो आप नहीं मेरा हुआ लाइव था। देख लीजिएगा। हम, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के, चाहे वो खेसारी भैया हो, चाहे कोई भी इंडस्ट्री का कलाकार हो, पवन भैया को सब लोग देख के सीखा है कि भोजपुरी में पवन भैया बहुत दिन से योगदान दिए हैं। और हमारा स्तर इतना नहीं गिर सकता है कि पवन भैया की निजी जिंदगी पे हम टिप्पणी कर दे। अगर पवन भैया लाइव में बोल रहे हैं, तो आज तक कोई हमारे सामने खड़ा कर दीजिए कि पवन सिंह भी बोलते होंगे कभी पीठ पीछे, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उनकी सरस्वती पुत्र है, उनको हम लोग सम्मान करते हैं, उनको देख के सीखना। हम भी उनके लिए गाना लिखे हैं, हम भी उनके साथ काम किए हैं। ऐसा नहीं है कि पवन भैया हमारे दुश्मन है या पवन भैया को हम लोग गलत सोचते हैं, बिल्कुल नहीं। इतना कुछ हुआ, फिर भी बात विवाद का लड़ाई होता है, माँ बहन की गाली कभी नहीं होता है। इतना विवाद हो गया सब पवन भैया में, खेसारी भैया में, लेकिन आज तक कभी, तुम बोले होंगे खेसारी जी, चाहे पवन भैया, तुम भी बोले होंगे, छोटा भाई ही है खेसारी, प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे भोजपुरी में एकता नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको एक किया जाए, इसको विखंडित नहीं किया जाए। जब होता है तब कोई गाली खेसारी लाल यादव को देने लगता है। देखिए आप एक चीज बताइए, दो चीज हाँ है, एक बार थोड़ा अपने दिमाग से सोच के बताइएगा कि जो ये कहे थे मगहिया जवान जो कहे थे सो, और ये खबर पूरे हिंदुस्तान में चलना कि खेसारी लाल यादव की बेटी को रेप का धमकी, जो कि बिहार से भी बाहर लोग सुन रहा है, अब खेसारी लाल यादव नेशनल मीडिया पे जाके बोल रहे हैं कि हमको छक्का कहा, अरे तो आप ऐसा ऐसा डायरेक्ट करके। बोल रहे हैं कि बोतलवे घुसा देंगे तो रेप की धमकी नहीं है, तो का है वो? वो देखिए यहाँ नाम बात देख लीजिए, ये सुनिए, अच्छा यहाँ नाम लिए हैं, सुनिए। गाना है, चोरी के गाना है, बता दिए हैं आप लोग, एपिसोड आप लोग देखे होंगे। विकास राय जी हैं, अनिल कुशवाहा जी हैं, जलवंत अजीत जी हैं, खेसारी तुरपा, फैन तुरमई क्या सब नाम बता लिए रहे हैं हैं? भाई।
कमेंट पढ़ रहे महाराज, क्या मतलब आप लोग भी कमेंट पढ़ रहे हैं कि गाड़ी तुम्हारा बाप है, उसके रिप्लाई दे रहे हैं। चार जगह नाम लिया हम, सुना देंगे आपको स्क्रीनशॉट और आगे। अब इसमें है पवन सिंह फैंस सचिन सिंह, अब इनका हम नाम ले लिए तो क्या इनको गाली दे रहे हैं? हम तो बात आपसे कर रहे हैं ना। हम डायरेक्टली, ये कोई बात हुआ कान इधर से पकड़े या इधर से कन्वे ना पकड़े जी, अब ये थोड़ी होता है। हम करवा लिए तो आदमी चाहता है इधर से पकड़े। अब हम बात कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कैसे कहेगा आदमी? अच्छा डायरेक्टली आप बोल रहे हैं कि तुम जिम का क्या बोले हैं, बिग बॉस में गया है, छाका भी जिम करता है, तुम बॉडी फुला लिए हो, तुम्हारा राइटर है कोठा पुत्र, हम किसको बोलते हैं? हम नाम रही रखते हैं, सब कुछ बोलिए देते हैं। ए महाराज कहेंगे शर्म कीजिए ना आप लोग, कितना भोजपुर नेपाल से बोला के 300 पे बेचा लाए, देख लीजिए माता रानी को पहने हैं, सरस्वती माँ को पहने हैं, नेपाल वाली जो लड़की आई है सोमिया उसको सच में हम लोग अपना बहन मानते थे, उसने गलती किया, उसको हम समझाए भी कि बेटा तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये गलत बात है, तो वो बोली, फिर भी बोल रही है, फिर भी इंटरव्यू में बोल नहीं, रही है। नहीं, नहीं कभी नहीं बोली है उसके बाद, सुन लीजिए, उसके बाद वो हमको वीडियो भेजी पवन भैया के जिम और एक कोई सूर्या भाई की सत्या भाई है कोई है, बोल रहे हैं कि खेसारी का मुंह देखने के बाद लगता है कि उल्टी कर दे, और बताइए वो वीडियो हमको भेजी, हम तो आज तक देखे ही नहीं थे। उसके बाद उनके बाउंसर लोग बोल रहे हैं कौन पवन सिंह नहीं जानते, कौन खेसारी लाल नहीं जानते, तो सब देखिए हम लोग जितना इस बात को बढ़ाएंगे वो उतना ये बात बढ़ेगा। हम यहाँ कलाकार की बात कर रहे हैं, हम फैन, फैन क्या होते हैं, वो किसी को कभी भी गाली दे सकते हैं। आज वो खेसारी लाल के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, कल वो पवन भैया को गाली देंगे, वो पवन भैया को सपोर्ट कर रहे हैं कल खेसारी, हम फैन की बात पे भोजपुरी को आगे नहीं ले जा सकते। फैन लोग का काम है प्यार करना, मोहब्बत करना, गुस्सा है तो वो गाली देते हैं, वो एक अलग की बातें होती है, लेकिन कलाकार को गाली देना, एक वैसे कलाकार को जो भोजपुरी इंडस्ट्री के दो स्तंभ हैं पवन भैया खेसारी भैया, उन लोगों को ये लोग गाली दे रहे हैं यहाँ पे, आपको अच्छा लगता है पवन भैया को गाली देते हैं? नाभि नरेश बोलते हैं तो धोनी चाटवा बोलते हैं तो बिल्कुल गलत बात है। देखिए अश्लीलता का विरोध करिए और ढंग से करिए, हमारा पुतला दान कीजिए हमें खुशी होगी, अगर हम गलत किए हैं तो उसका विरोध उस टाइप से कीजिए, लेकिन हमारी माँ बहन को गाली मत दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, आप कहें कि सोम्या को हम अपना बहन मानते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, एक बात बताइए, एक हीरोइन है जो एकदम मेहनत करके आती है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, खेसारी लाल यादव के साथ गाना बनाती है तो आप लोग उसका नाम नहीं देते हैं, और ये टैटू बनवा के आती है तो खेसारी लाल यादव के साथ वीडियो सॉन्ग में आ जाती है, पूरे बिहार में जानी जाती है सोम्या पोखरेल, कौन टैलेंट है भाई? अरे भाई वो तो पहले से उसको हम स्टार बनाए, वो नेपाल के उसके 35 मिलियन महाराज फॉलोअर है, उसको हम स्टार बनाने वाले कौन होते हैं? नेपाल की बहुत बड़ी टिकटॉकर है, और लोग नहीं है बिहार में टिकटॉकर? बिहार में बिल्कुल है, क्यों? हमारे देश में अगर कोई दूसरे देश का आता है तो उसको हम गाली देंगे जी, हम काम नहीं करा सकते, अगर वो कर रहा है तो क्यों नहीं कराएंगे? तो फिर मतलब ये भेदभाव का है, अपने बिहार का लोग का नाम तक देना उचित नहीं समझते हैं नेपाल वाली? एक एक वीडियो खोल के देख लीजिएगा, चाहे खेसारी जो भी काम करता है उसको फिट में नाम जाता है, कोई बोल दे कि नहीं नाम गया होगा? अब टैलेंट ढोके में ना करे, कुछ कर ही ना आवे, तरह के काम दे दी या 5 लाख रुपया भी बर्बाद कर दे हम अपने प्रोजेक्ट का, वो नहीं ना होगा। अगर हाँ वो वीडियो देखिए और पब्लिक आज जवाब दिया, आज 1 करोड़ उसका व्यूज है, 10 मिलियन व्यूज है, अगर वो अच्छा काम नहीं की होगी तो आगे से हम काम नहीं दिए देंगे, हमको पब्लिक बताया कि अगर उसका परफॉर्मेंस खराब है तो हम नहीं काम देंगे, हमारे गाने लोग नहीं सुनेंगे। खेसारी लाल यादव अगर किसी जानवर के साथ भी काम करेंगे ना तो लोग कहेंगे कि, जो फैन होंगे वो कहेंगे वाह खेसारी भैया एकदम तहलका, इससे अच्छा नहीं, 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 कोई नहीं करता ही नहीं। उनके उनके गाने महीने में 25-20 आते हैं जिसमें से 10 गाने पिट जाते हैं, तो वो गाने क्यों नहीं चल जाते हैं? जो अच्छे गाने होते हैं, जो अच्छे वीडियो बनते हैं वही ना चलते हैं। खेसारी लाल यादव हो, चाहे पवन भैया हो, चाहे खेसारी भैया हो, सब गाना गाते हैं, सब गाना बजिए जाता है जी, सब गाना नहीं ना बजता है। देखिए हम यही बोल रहे हैं कि हम लोग कलाकार हैं, कलाकार का सम्मान करिए, बस हमारा कहने का मतलब राजन भाई यही है कि एक कलाकार हो के कलाकार का सम्मान चाहिए, चाहे वो पवन भैया हो चाहे खेसारी भैया, आपस में हमारा एक परिवार है, उसमें ज्यादा बर्तन रहेगा तो ढनढनाएगा, उसमें नो डाउट है, लेकिन हमारे कलाकार कभी किसी को माँ बहन की गाली नहीं देते हैं, आप उठा के कभी देख लीजिएगा। तो कौन कलाकार दिया है? कलाकार जैसे आपके वो बाबा दिए थे वैसे वो भी दिए हैं। हाँ किस कलाकार को महेश बाबा गाली दिए हैं बताइए? कलाकार को गाली नहीं, पार्टिकुलर एक इंसान को दिए हैं ना गाली? कलाकार को मैं बोल रहा हूँ, आप अपने में फैन है चाहे यूट्यूबर है, आप लोगों की पर्सनल लड़ाई है वो एक अलग का बात हुआ, कलाकार को अगर महेश पांडे गाली दिए होंगे किसी भी कलाकार को तो हम उनका भी विरोध करते हैं, भरे लाइव में बोल रहे हैं, अगर किसी भी एक छोटा कलाकार हो या बड़ा कलाकार हो
जो इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है उसकी माँ बहन की अगर कोई गाली दे तो हम लोग किसी के सपोर्ट में नहीं है। कोई भी हो, अगर किसी भी कलाकार की माँ बहन की आप गाली देते हैं तो ये बहुत ही निंदनीय काम है, क्योंकि हमारी भी माँ बहन हमसे जुड़ी है, हमारे भी घर के लोग हमको देखते होंगे, कितना तकलीफ लगता होगा एक बार सोचिएगा। ठीक है, हम लाइव वीडियो, लेकिन अभी यहाँ पे हम आपसे इमोशनली बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई राजनीतिक और कोई दिमाग से नहीं बोल रहे, हमारे जो तकलीफ है वो आपको हम बयां कर रहे हैं, जान लीजिए। तो आप अब मगहैया जवान मुझे फोन करके गाली दिए तो हम भी दिए, वो उस बात का एक मुद्दा, वो पहले गाली दिए, वो मेरे पास रिकॉर्डिंग है तब मेरे मुंह से गाली का बदला तो देखिए, गाली अगर कोई आपको देता है तो आप भी दीजिएगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। उस लाइव वीडियो में भी वही था, उसके लिए इतना इशू बनाना, लेकिन ये सोशल मीडिया पे बता, नहीं, डालना, नहीं है पूरे ना, बिहार में ये बताइए इस कि बात का खेसारी प्रचार भैया ने कभी, करवाना। खेसारी भैया ने कभी मगहैया जवान के एक शब्द नाम भी लिया है, कभी कहीं उनका विरोध भी किया है, उनको आप क्यों गाली देंगे? एक मिनट, हम काफी देर से बात आपका सुन रहे हैं। आप एक तरफ से देखिए राजन भाई, आप सच्चाई के लिए नहीं आए हैं, मगर ये जो उनका समर्थन के लिए आए हैं। नहीं, देखिए देखिए समर्थन आपके बात से, देखिए अखिलेश भैया बात कर रहे थे, आपके बात से स्पष्ट हो रहा है। आप बोल रहे हैं कि कोई गाली देगा तो गाली दीजिएगा, तो आप इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि कोई आपको मारे तो आप मारिए, यही चीज ना आप दंगा करवाना, गाली का बदला गाली दिलवाना चाहते हैं, यही सब ना करवाना चाहते हैं आप लोग, कहने का मतलब बताइए। अगर आप एक बात सुनिए, आप बोल रहे थे कि कहां मगही जो वीडियो में बोला है खेसारी लाल दो का नाम लिया है, अभी हम पवन भैया को, पवन भैया का नाम नहीं लेके बोलेंगे गोबर सिंह, ढोरी हुरावा, ढोरी चाटावा, मोटा का, पोर्न स्टार, सब बोलेंगे तो कौन समझेगा? आप समझिएगा नहीं कि पवन सिंह हम बोल रहे हैं कि नहीं, बात समझिए। अगर कोई बोलेगा छाकावा, ये सब बोलता है तो लोग कि खेसारी भैया का बहुत सारा नाम, अखिलेश भैया का नाम बोलता है लोग, तो इससे समझ में नहीं आता है किसको बोल रहा है। तो कहाँ डालते हैं कि हाँ मेरी बेटी को रेप का धमकी दे रहा है, सब तो नहीं होता है ना। बोतल घुसा देंगे भोजपुरी में पहली आप बार। एक मिनट, आप खेसारी लाल यादव के जगह पे रहते और आपके बहन या बेटी को कोई बोलता था, यहाँ पे क्या स्टेप लेते? आप ये चीज हमको क्लियर कर दीजिए बस। आप यहाँ पे क्या स्टेप लेते? दूसरे के फैमिली का नाम ही नहीं लेते कि मेरा कोई नाम ले, दूसरे को कभी नहीं करते कि हाँ। तो एक मिनट, सानिया मिर्जा भी तो किसी की बहन है, रिंकिया भी तो किसी की बेटी है, जाइए मनोज तिवारी के, और गुडू अश्लीलता का बात करते हैं तो गुडू रंगीला को उठाइए, राधे श्याम रसिया को उठाइए। गुडू रंगीला जब गाता है कि चूतर तो क्या क्या गाना गाता है, इतना अश्लील शब्द का प्रयोग करता है, वो सब कहाँ गया? तनिषा जी ढीला कर, सब कहाँ गया? ये सब क्लियर दीजिए। मगहैया जवान इन लोग पे वीडियो क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि व्यूज नहीं आएगा, पैसा नहीं कमाई होगा, जो मेन खेल है, जो पैसा है खेल है। ये लोग आते हैं और बोलते हैं कि आप लोग हमारा समझौती करिए, रिपोर्ट मारा जा रहा है, हमारे चैनल पे व्यूज नहीं जा रहा है, कि इसको मेंशन करिए, टैग करिए कि हमारा पेज फिर ग्रो करे, सब बात समझिए। वो लोग सिर्फ पैसा के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद कर रहे हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी कलाकार हैं उनके नाम पर ये लोग पैसा कमा रहे हैं। सबसे पहला बात सुनिएगा, खेसारी लाल यादव का नाम लिए तो पवन सिंह के और इसको कंप्लीट करते हैं पहले। किला कर लेंगे जब आप कह रहे हैं ना कि गुड्डू रंगीला, राधे श्याम रचिया, ये सब गंदा गंदा गाना गाते थे, तो एक बात बताइए, पहले के जमाने में जब गंदा गाना गाते थे, पहले के जमाने में जब गंदा गाना गाते थे तो उस समय डिजिटल का जमाना नहीं था, तो क्या आप वीडियो बनाए कैसेट में दुकान में बेचे क्या? जब बदलाव आता है तो बदलाव के लिए लोग खड़ा होता है। पहले बिहार में जंगल राज था, नीतीश कुमार ये खत्म किए ना, अभी पिछला होली में गुडू रंगीला जी का गाना है। पहले देश आगे नहीं बढ़ रहा था तो सरकार बदल के लोग अच्छा किया ना, वही चीज यहाँ भी है। पहले अश्लीलता था तो उसी को हटाने के लिए लोग आ रहे हैं। इस होली में गंदा गाना है, पिछले होली में आया था पवन भैया ही गाए थे, भले पवन भैया ही है, सबका विरोध हो, अगर गंदा गाना हमारे इंडस्ट्री को नहीं चाहिए। सबका विरोध होता है महाराज, उसी विरोध की वजह से ना गाना गाए थे, नहीं चला उनका, उसी विरोध की वजह से ना, वही लोग का ना ज्ञान खुला है कि गंदा गाना गाने का लोग सपोर्ट नहीं करता है, गंदा गाना गाए कहां बन गए 100 मिलियन बना लिए। अश्लील जानते हैं उसको डर होगा, जो अश्लील समझाया नहीं जाएगा तब तक लोग कैसे समझेगा कि ये गाना अश्लील है, इसको नहीं सुनना है, वही तो सुना है, इसी की वजह से गुड्डू रंगीला नहीं गाते हैं, इसी की वजह से तो ये राधे श्याम रसिया का अच्छा गाना आता है। तो आप सुनिए नहीं रहे हैं, गुड्डू रंगीला कंटिन्यू गा रहा है, आपका ध्यान नहीं है, आपको भोजपुरी में नॉलेज नहीं है, जानते अश्लील गाना गाता है, नहीं सुधरेंगे, जो नहीं सुधरेगा उसका गाना नहीं सुनेंगे। हाँ, जो नहीं सुधरेगा उसका गाना नहीं सुनेंगे, लेकिन आप किसी माँ बहन की गाली देंगे? खाली खेसारी नहीं, 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 गाली। लेकिन अगर हमको कोई
बैक कैमरा करिए, एक मिनट बैक कैमरा का। हाँ यहाँ से ये पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। 1 साल पहले आया हुआ है गाना, गुडू रंगीला संजूनी से आया कलर हुआ दिख है। रहा टाइटल है। पढ़िएगा। की बात है, ये क्या बात करना है, ये ये जिसकी सब पढ़ी समझिए, मानिए कि आप देखिए समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, अलग बात है, लेकिन जो गलत है भाई। यहाँ पे खेसारी लाल तो कहाँ गलत है कि वो पीकर लाई भाई, इधर कौन सा अश्लील गाना गा दिए हैं वो, इधर बताइए कुछ मुद्दा पे कोई गाना अश्लील गाना को लेकर लोग लाई बात और बोलते तो एक बात रहता, लेकिन बिना किसी बात को लेकर ऐसे ही दारू। आपको लगता इसीलिए नहीं है तो कि आदमी दारू लड़ पीकर रहा लाई है, बातें इसी हैं? का तो बुरा आप लोगों को लग रहा है कि जेल भेज देते हैं किसी तरह की, अब फ्रीडम हो जाएगा, आजादी हो जाएगा, एकदम नहीं आजादी तो आजादी फिर नहीं, अश्लीलता गाना देखिए गाएंगे, नहीं, अगर खेसारी यही भैया तो आजादी अश्लील गाएंगे, देखिए चाहिए। अभी हम आपके सामने बोल रहे हैं, अगर खेसारी भैया अश्लील गाएंगे उस दिन हमको लाइव में जोड़िएगा, अगर एक वर्ड भी हम कुछ बोल देंगे ना उस टाइम तो हमारा जबान काट लीजिए। हम ऑडियंस के सामने पूरा बोल रहे हैं कि अगर यही तो खेसारी भैया आजादी अश्लील गाएंगे तो उस चाहिए। टाइम आप हमको जोड़िएगा, अगर उस टाइम उनका विरोध नहीं किए तब हमको आप बोलिएगा कि नीतीश यादव क्या बोला था। हम वैसे नहीं है आप लोग जैसे कि मगही जवान किसी की बेटी बहन को गाली देगा तो आप लोग उसका समर्थन जैसे कर रहे हैं, उसको अच्छा दिखा रहे हैं, वैसे इंसान हम नहीं है। नहीं 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 संतोष नहीं रेणु अच्छा गलत नहीं आज दिखा भी रहे मेरे हमारा, खेस, अच्छा नहीं 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 दिखा रहे हैं, आज भी जाकर बातों को देखिए मेरे प्रोजेक्ट खेस गलत किया जा रहा है। बात है कि नहीं। आपकी बेटी आपके करतूत को देखेगी तो वो क्या सीखेगी? खेसारी लाल यादव चारों तरफ बोल रहे हैं कि रेप की धमकी दे रहा है, क्या जाके पुलिस को दिखाएंगे? तो कहाँ बोल रहे रेप हैं कि का बात है, बोतल कर देंगे, क्या है बोतल कर तो देना? बोतल कर देंगे वो अब खेसारी एक मिनट बहन के बारे में, उनकी तो बेटी के बारे में बोला गया वर्ड कि बोतल कर पूरा देंगे। बोला गया, पूरा नेपाल की लड़की को बोला गया है। हमारे देश में किसी विदेशी का इज्जत नहीं है क्या कि अब विदेशी का नेपाल की बात लड़की थोड़ी है, 300, खेसारी लाल यादव थोड़े की विदेशी का जो नहीं, तीन रेप वो क्या वाला लड़की बात नहीं कर है, रहे हैं, रेप वाला वो क्या बात लड़की नहीं है, उसकी क्या बहन बेस्या है, उसको 300 रुपया रेट कैसे पता है उसको कि 300 रुपये में लड़की आती है, कैसे पता है 300 रुपया? जाके जो भोजपुरी का लड़की इतिहास नेपाल की देखिएगा ना लड़का तो ना पता लड़की, चल जाएगा कि नहीं आपके नहीं लोगों नहीं को काम मिलता जो है। स्पष्ट रूप से बात बोला है, जिस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए वो शब्द का प्रयोग किया है, वो लोग भोजपुरी में किस लिए आया था कि भोजपुरी से अश्लीलता को खत्म करना है? आप ही लोग हैं ना भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री वाले, जो आता है हाँ वीडियो वायरल होता है एकदम तगड़ा तगड़ा, कहाँ से आता है जी, उसे वीडियो? वो सब अच्छी अच्छी लड़की का वीडियो रहता है, अब उसको जो क्या गलत लड़की कहेंगे? का रहता है उन लोग का वायरल होता है कैरेक्टर की पुजारी जिनका वीडियो वायरल होता है, क्या कहेंगे तो हम उसको? लोग की कोई नहीं ना है, हम लोग की नहीं ना है, इंडस्ट्री है आप लोग का है महाराज, हमारा इंडस्ट्री कैसे है, पूरे ऑडियंस का इंडस्ट्री है, बिल्कुल है सब कुछ आपका रहे, आप ही इंडस्ट्री। इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आप ही एक आप ही इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं ना, आप ही तो नहीं नहीं इंडस्ट्री से ही नहीं नहीं पैसा का, देखिए नहीं, आप देखिए दो दो चैनल बनाए हुए हैं, इंडस्ट्री से ही पैसा कमा रहे हैं, एवन एवन भोजपुरी आप ही का ना कि वो एवन बिहार है कि नहीं है, आपका ईमानदारी से बोलिएगा, लाइव में हम है, उसमें बस काम करते हैं बस। काम करते तो वही चीज हम लोग भी करते हैं, खेसारी लाल तो भी काम करते हैं, पवन सिंह भी काम करते हैं, एक इंडस्ट्री है इसमें सब कोई काम करता है, यही से सब कोई पैसा कमाता है, आप भी कमाते हैं यहीं से, हम भी यहीं से कमाते हैं, कोई भी हो, लेकिन आप एक तरफा किसी का समर्थन कर रहे हैं, ये चीज गलत है, किसी के बेटी नहीं के नहीं ऊपर एक आंच आया है। तरफा का सवाल खेसारी नहीं लाल है, यादव देखिए एक अभिनेता बनकर लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, एक बेटी के पिता बनकर लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके जगह पे आप भी रहते तो यही काम करते, हम भी रहते तो यही काम करते हैं, क्योंकि ऐसा जब बेटी और बताइए बहन का इज्जत ही कितना। नहीं रहेगा तो पैसा ये इंसान कमा कर क्या करेगा? आप लाख रुपया कमा बिल्कुल लेंगे, आप बिल्कुल करोड़ रुपया कमा लेंगे, आपका नाम बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपके बेटी बहन को कोई आकर रोज गाली दे दे ये कभी नहीं हो सकता। खेसारी लाल यादव को जितना दिन लोग गाली दे बर्दाश्त किए, अभी भी कुछ नहीं बोलते, लेकिन जब उनके बेटी के ऊपर बात आया, उनके पत्नी को, कि तो पत्नी को खुश नहीं रख पाते होगे, कर पाते होगे, ये सब क्या चीज है? अच्छा क्या मतलब, आप खुद सोचिए कि आप जाइए दूसरे लड़की को कहिए हमको बड़ा प्यार हो गया, घर में पत्नी है, तो क्या मतलब खुश रहेगी वो अरे भाई तो ये पत्नी? कौन सा मैटर है, ये कौन सा मैटर है? अब मेरा शादी हो गया है, मेरी वाइफ जानती है, हमारे बोल दे कि ये लड़की बहुत अच्छी, तो इसका क्या मतलब हो गया? ये नहीं बोलिए, कहिए कि इसके प्यार में हम पागल हैं, इसके बिना हम रह नहीं सकते हैं, 6 महीने बोल तक दिए कि पागल हैं। अखिलेश भैया से हमको प्यार है, अखिलेश भैया के हम प्यार है, पागल है प्यार अलग, आप जहाँ सोच रहे हैं ना वो प्यार नहीं होता है, प्यार कई टाइप के प्यार होते हैं, भाई से प्यार होता है, दोस्त से प्यार होता है, आपसे किस टाइप का अच्छा मेरा तो आप प्यार शेरा है, सिंह भाई वाला प्यार सबसे अलग करते अलग हैं, टाइप का प्यार होता है, खेसारी भैया भाई वाला प्यार एक कर रहे थे ना, अटैचमेंट हो जाता है, लगाव हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, लगाव हो जाता है। आप जैसे कॉलेज में जैसे कॉलेज एक दो आप जब का कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड होगी, उससे अटैचमेंट क्या नहीं होता है बात करने का, चाहे कोई आपके दोस्त होंगे जिनसे आप बात करते होंगे, अटैचमेंट तो होता ही है, तो वही चीज बात रखें। देखिए विरोध करना अश्लीलता का सही है, आप विरोध कर एकदम सही है, हम भी खड़े हैं विरोध करने के लिए, लेकिन पर्सनली किसी को इतना टॉर्चर नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है मगही जवान ने सही किया, हाँ या ना बोलिएगा?
एक शब्द में जवाब दीजिएगा। जो मगही जवान ने लाइव आकर कंटिन्यू 32 मिनट तक गाली गलौज किया, क्या सही किया, हाँ या ना? देखिए गाली गलौज करना कहीं से सही नहीं है, देखिए लेकिन अमृत उसको कुमार लिख रहे हैं, प्रोजेक्ट करने देखिए में अमृत गलत कुमार लिख रहे तरीके से हैं, ये तो बहुत गलत है। लिख रहे हैं कि राजन भाई के हम प्यार में पागल हैं। कौन 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 लिख रहे आपके हैं? कोई लिख रहे हैं कि राजन भाई के प्यार में पागल है, जैसे नितेश भाई के प्यार में पागल है, तो ये सब तो कोई गलत चीज थोड़ी ना है भाई। कोई नहीं प्यार नहीं करता नहीं है, लाइक करता है, ये चीज अलग चीज है। तो आप इस चीज को, एक बिग बॉस वाले बात को आप घुमा घुमा कर उनको टारगेट करिएगा, तो सब चीज गलत ना है आपका। हम देखिए आपका, हम भी वीडियो देखते हैं, पे एक अलग तरीका से प्रेजेंट करते हैं, हर एक बात को स्पष्ट रखते हैं। लेकिन आपका लगता है कि एक तरफा नहीं खींचा होता है, एक तरफ नहीं होता, जोर से एकदम खींच रहे हैं, एक तरफ ऐसे कर रहे हैं, उस टाइप का आप काम करते हैं। खैर देखने का नजरिया होना चाहिए। अब आप दीवाने हैं खेसारी लाल यादव जी के, तो आपको तो नहीं लगेगा ही दीवाने बोल क्या, रहा है नहीं। मेरा इंस्टाग्राम खोलेगा तो पवन भैया का भी हम दीवाने हैं, पवन भैया का भी गाना सुनते हैं, और पवन भैया के गाना पे भी रील बनाते हैं, आप ज्यादा सबका चेक कर सुनना सकते हैं। चाहिए, सबका सम्मान करना हाँ, चाहिए, क्योंकि बस भोजपुरी गलत इंडस्ट्री नहीं है, चीजें और होना बाहर चाहिए। देखिए कोई बाहर का आकर माने कि ये गलत करते हैं, तो इनपे अब हम कानूनी किसी को धीरे से एक कानूनी थप्पड़ मार दिए, वो कह दिया कि मैंने गला काट रहा भैया था, प्रशासन के सामने जाके कह रहा कि भैया बात मैंने कर तो रहे हैं। गला रेत दिया, और ये सब गलत चीज है ना। सुनिए, हम हो चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई हो, पवन भैया को देख के भोजपुरी इंडस्ट्री में आया है, चाहे वो खेसारी भैया हो, चाहे अरविंद अकेला कल्लू हो, चाहे अंकुश राजा हो, चाहे गुंजन भैया हो, समर भैया हो, रितेश भैया हो, कोई भी हो, भोजपुरी इंडस्ट्री की बात मैं कर रहा हूँ। तो पवन भैया के बारे में अब अगर इतना दिन में कभी दिखा दीजिएगा कि पवन सिंह भी बोले होंगे, कभी पीठ पीछे भी हम उनका सम्मान आजीवन करते थे, हम लोग आजीवन करेंगे, क्योंकि पवन सिंह ने भोजपुरी को एक चीज वो दिया कि हाँ हम गा सकते हैं भोजपुरी में, लोग एक पवन सिंह जैसा बनना चाहता है, खेसारी लाल यादव जैसा बनना चाहता है। अब उन्हीं को आप गाली दीजिएगा, उन्हीं को आप मां बहन रोज करिएगा, तो कितना लोग बर्दाश्त करेगा। देखिए आप सही इंसान है राजन भाई, हम आपका सम्मान करते हैं, आपका जब भी फोन आया, जब भी बात किया, आप आए थे पटना में, हम बोले एक दिन रुकिए हम बॉम्बे आएंगे तो जरूर आपसे मिलेंगे। हमें दुख नहीं है, हमें मगहिया जवान लोग भाई लोग से भी दुख नहीं है, उनका विरोध करने का तरीका गलत है, वो भी इंसान है, वो भी किसी माँ बाप के बेटे होंगे, वो हमको इतना गाली दिए बोले, फिर भी हम जब भी फोन करते थे भैया नमस्कार बताइए, इतना गाली देने के बाद हमने कभी, हम आप एक बार मेरे पास 2 घंटे बैठ जाइएगा तो आपको पता चलेगा, अखिलेश कश्यप को जो दूर से देखता है वो मुझे गाली दे दे या जो बोलना है वो बोल दे, लेकिन जो पास आके 2 घंटा 1 घंटा समय बिता लेगा वो जानेगा कि हम लोग कैसे इंसान है। हम कभी किसी को, आप हमें गाली भी दिए हैं तो हम आपको प्यारे करेंगे, ये नहीं है कि आपको, आपके मुद्दा को लेकर हम लोग लड़ाई करेंगे, वो सब कुछ अलग है। लेकिन उन्होंने ये जो किया ये गलत, आज तक हम एक्शन हम लोग कोई लिया था बताइए, कुछ भी होता था कोई न्यूज में, मैं बताइए हम मगहिया जवान हम बोल देते थे, बहुत बोलते थे तो यही बोलते थे, वो लोग गाली देता है बोलता है, हमें यही बात का दुख है। आप खूब विरोध कीजिए, आप पुतला दहन कीजिए, और नहीं तो आके हमारे ऑफिस पे धरना प्रदर्शन कर दीजिए, 5 छटकन मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माँ बहन की गाली नहीं। ये चीजें बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है, हाँ, और माँ बहन का गाली नहीं देना चाहिए, इसका बात का किसी को नहीं देना चाहिए, इसके ना लिए हमको अब देना चाहिए हमारी ना आपको गर्दन देना भी कट जाए तो चाहिए। इसके लिए हम लड़ेंगे कि आज के बाद हमारी लड़ाई जारी है, आज के बाद कोई भी भोजपुरी कलाकार अगर गलत करता है तो उस पर सेंसर बोर्ड बिहार सरकार बनाए, अश्लील गाना का विरोध हो वो जेल जाए, लेकिन किसी भोजपुरी कलाकार की कोई भी माँ बहन की गाली देता है तो इसका खमियाबे जाए उसको भुगतना पड़ेगा, जान लीजिए। होना भाई लिखे चाहिए हैं आशीष प्रताप पांडे जी की, चलो मान लिए पवन, अरे पवन भैया को हम शुरू से ही हम लोग माने हैं, ऐसा थोड़ी है कि अभी माने, पवन भैया खातिर गाना लिख ले बनी, महादेव के दीवाना राजस्थानी का गाना जाके सुन लिया, ऐसा नहीं है कि हम पवन भैया के साथ काम नहीं किए, आप पवन भैया का सम्मान नहीं करते, आजीवन किए थे आजीवन करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आप लोग बस, हमारा कहने का मतलब है कि आप हर जगह पे मगहिया जवान को सपोर्ट करिए, सब रास्ते उनके सही थे, लेकिन माँ बहन वाले गाली वाले रास्ते गलत हैं, और आपसे भी यही बोलेंगे कि इसका आप विरोध कीजिए। हम भी इस बात को मानते हैं कि किसी को माँ बहन का गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन इस बात को भी ऐसे प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए कि रेप बिना मतलब का बात, जिसका कोई मुद्दा नहीं है। क्या देंगे जवाब प्रशासन को, कहाँ दिखाएंगे कि हाँ रेप वाला बात बोला गया है इसमें? प्रशासन प्रशासन के पास तो बहुत कुछ है, हम जानते हैं कि वो जितने लोग जितने कलाकार को गाली दिए हैं सब मेरे हार्ड डिस्क में, हम जानते हैं कब वो पेज बंद कर दें, उन लोग के पास बहुत सारा चाल है, कब चाल चल दें, कब वो जातिवाद का कार्ड खेल लें। हमें प्रशासन से ना, उनको हम नहीं बोलेंगे कि वो उनको अरेस्ट कीजिए, उनको मारिए, नहीं,
किसी को मारना, जेल में डालना, ये रास्ता नहीं होता है। रास्ते वो होते हैं जिसपे सही रास्ते पर लोग चलें। हम कभी ये नहीं करेंगे कि उनको प्रशासन को दिखाएं, उनको मरवाएं। हमारा मोटो ये नहीं है, वो भी इंसान है, अगर गलती किए हैं, अगर आगे से ऐसा नहीं करते हैं तो सब कुछ सही है। किसी को सजा दिलवाने वाले कौन होते हैं हम? अब वो भी हमारे भाई हैं, वो लोग भी हमारे भाई हैं। बस हमारे हमारी और उनकी लड़ाई क्या है? हमें गाली मत दीजिए, आप हमारा विरोध कीजिए, आप हमको बोलिए जो बोलना है, आप विरोध कीजिए, लेकिन हमारी माँ बहन को गाली मत दीजिए। बस यही हमारा कहने का मतलब है। हम प्रशासन को क्या दिखाएंगे, क्या नहीं दिखाएंगे? प्रशासन अगर कोई आईएएस अधिकारी है, आईपीएस अधिकारी है, तो उनके पास ये 32 मिनट का वीडियो चला देने के बाद उनका खून खौलने लगता है। हम कल ही गांधी मैदान थाना में बैठे थे, बोल रहे हैं जो वहाँ के दरोगा साहब है कि मन कर रहा है अभी जाके इन लोग को 10 डंडा मारे। तो अब ये तो किसी एक आम इंसान को दिखाइए जाके, ये सही बात है या गलत बात है, वो डिसाइड कर देंगे, हमें क्या करना है। लेकिन हम कभी नहीं चाहेंगे कि वो लोग का, उन लोग का भी बीवी है, परिवार है, उनकी भी बच्ची है, उनके भी बूढ़े बाप है। हम किसी को क्यों चाहेंगे कि बर्बाद हो, उनका कैरियर खराब हो। अच्छा, वो वीडियो दिखाएं तो दो चार गाना भी गाने सुनाए भोजपुरी का, वो भी सुनाते थोड़ा। बिल्कुल, क्यों क्यों नहीं सुनाएंगे? अगर नहीं भोजपुरी के सुनाए गाने सुनाए बिल्कुल बिल्कुल सुनाएंगे, वो जब इंक्वायरी बैठेगी तो सब कुछ सुनेंगे ना लोग। ऐसा थोड़ी किसी के जो प्रशासन डायरेक्ट किसी को कंप्लेन कर देगी। भोजपुरी के गाने जरूर, भोजपुरी सदियों से अश्लीलता में आई है, भोजपुरी में सब लोग अश्लील गाया है, कौन नहीं गाया है? लेकिन अगर इसका विरोध नहीं अश्लीलता होना चाहिए, अनुकूल हो पहले रहा नहीं हो है, रहा था तो आज भी नहीं हो, क्या 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 बोले? मैंने पहले हो रहा था तो आगे भी होते रहना चाहिए ना। आज भोजपुरी हमारा ग्रो कर रहा है, आज भोजपुरी में बताइए अच्छे गाने। आज हेलो कौन 1 बिलियन पहुंचे हैं, पुदीना 1 बिलियन पहुंचे हैं, कोको कोला गाना हुआ 600-600 मिलियन, खेसारी जी का गाना पहुंचा है, हमारा गाना 400-500 मिलियन है, लहंगा लखनऊ हुआ है। तो साफ सुथरे गाने भोजपुरी सुन रही है, तो भोजपुरी के सारे लोग गा नहीं रहे हैं जी? आज कोको कोला गाना हर जगह हर शादी में बज रहा है, उसमें बताइए कि एक शब्द वल्गर है? तो हम 50 बार सुने हैं कोको कोला गाना, हम सुने 50 बार। पब्लिक जब एक्सेप्ट कर ली कि मैं अश्लील नहीं सुनूंगा, आप अच्छे गाने को पब्लिक तार दे रही है, तो क्यों गाएगा कोई अश्लील गाना जी? सही बात है, हमको तो लगता यही है तो कि सब सब कुछ गाना चाहता साफ है। सुथरा लोग गा रहे हैं। खेसारी लाल यादव जी से किसी का जमीन का झगड़ा थोड़ी है, तो सबके लिए किस वो, किस बात सबके का लिए वो झगड़ा है? आदरणीय है, भोजपुरी के मान सम्मान है, भोजपुरी का रिप्रेजेंट करते हैं वो सब जगह। लेकिन दुख इसी आज बात का आज अगर लगता खेसारी है, लाल यादव, सुन लीजिए राजन भाई, पूरे भारत में दूसरे नंबर पे सर छो रहे हैं, पूरे विश्व में तीसरे नंबर पे चार्ट लिस्ट में है, तो वहाँ हमारा भोजपुरी आगे नहीं बढ़ रहा है क्या? वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, बिल्कुल पंजाब के बिल्कुल रहने वाले, वो तो बिहार के है ना, वो भोजपुरी भाषा का बेटा है। आज वहां पे अगर वो सर छो रहे हैं, चाहे पवन भैया हो रहे हैं, चाहे खेसारी भैया, चाहे शिल्पी हो रही है, अंतरा जी हो रही, तो वो लोग तो भोजपुरी के ही है ना जी, हमारी भोजपुरी को रोक रही है। भोजपुरी ग्रो कराना है तो आप लोग के हाथ में बागडोर दिया गया है, तो आप लोग भी अच्छे कलाकारों को भी मौका दीजिए, टैटू वैटू को, गंदा गाने को, ये सब को थोड़ा कम प्रमोट कीजिएगा तो लोग भी खुश रहेगा। दूसरा क्या है, नहीं, टैटू से उसका वो नहीं था, वो हमारा मोटो, वो अच्छा काम कि उसका डांस वगैरह, उसके काम हमको अच्छे लगे थे, तो हम बोले कि तुम ही कर दो, सैड सॉन्ग था। तो ऐसा थोड़ी है कि हम वो पवन भैया को कोई गाली देगा तो हम बर्दाश्त करेंगे, उसको अपने सर पे बैठा के रखेंगे जी, ये नहीं है, ये नहीं हो सकता है हमसे। हम अगर पवन भैया को, खेसारी भैया को, चाहे इवन किसी को कोई गाली देता है, हम उसका विरोध करेंगे। क्यों आप भोजपुरी कलाकार को क्यों गाली देंगे? कलाकार ही सबसे सही कमजोर जाति बात होता है, है। हमारे ही आप नाम लोग एक लेके रहिएगा हम ना। हमसे ही 2 रुपया कमाते हैं सारे लोग, और हमको ही गाली देते हैं, बारे दुनिया, बारे ये यूट्यूबर। आज अगर अगर मगहैया जवान को 2 लोग जानने लगे, अगर उन लोगों को 2 लोग पहचान रहे हैं, तो किसके वजह से? भोजपुरी के वजह से। इसके पहले वो लोग भी अश्लील गाने पे कितने वीडियो बनाए हैं, लेकिन कौन पूछने जाता था? लेकिन आज भोजपुरी से जुड़े, भोजपुरी के एक अहम पहल, अच्छा पहल उठाए कि अश्लीलता विरोध कर रहे हैं, तो अच्छा चीज है, सब लोग जाने, सब लोग प्यार कर रहे हैं, उनकी उनका भी एक अपना ये हो गया। लेकिन हमारे कहने का मतलब भाई जी ये है कि आप विरोध करिए, बिल्कुल विरोध करना जायज चीज है, लेकिन गलत तरीके से नहीं, गाली दे के नहीं। बाकी आप करिए विरोध, कोई दिक्कत नहीं, अगर गलत है तो गलत है। चलिए लीजिए नितेश जी से बात करिए आप अपने क्लाइंट से। चलिए बताइए, बात बहुत सारा हुआ। चलिए बात तो बहुत सब। लास्टली हम पूछना चाहते हैं कि इसका सलूशन क्या हो सकता है, मतलब ये जो विवाद हो रहा है देखिए, भोजपुरी फिल्म को तो खत्म नहीं किया जा सकता है सबसे ऐसा। अच्छा सलूशन है कि भोजपुरी के जितने भी बड़े सुपरस्टार हैं उनको एक साथ बैठना चाहिए,
और इस पे चर्चा करना चाहिए कि हम कोई अश्लील नहीं गाएंगे। और जो भी माने कि अगर हम अश्लील नहीं गाते उसके बाद भी कोई टारगेट करता है चाहे कुछ भी हम लोग को ये करता है तो उसपे हम लोग सबको ही खड़े होंगे। पहले सबको ये कर ले कि हमको अश्लील गाना ही नहीं है। और आपको भी पता होगा कि अश्लील गाने काफी कंट्रोल हो गए हैं, काफी नए नए सिंगर हैं जो ही वही लोग आ रहे हैं, बाकी बड़े जो सुपरस्टार हैं वो लोग नहीं गा रहे हैं। ये चीज आप भी देखे इस बात के लिए किसको क्रेडिट दीजिएगा? क्या चीज क्या बोल रहे हैं, इस बात के लिए? का क्रेडिट किसको मिलना चाहिए कि अब असली अब इस बात के लिए क्रेडिट किसको मिलना चाहिए ये बताइए। इस बात के लिए क्रेडिट नंद किशोर बाबा है, वो जमीनी स्तर पे काम करते हैं, उनको मिलना चाहिए। उनको हम शुरू से देखे हैं भाई, जमीन पे वो हमेशा काम करते हैं, ट्रैक्टर को रुकवाते हैं, टेम्पो को रुकवाते हैं। मतलब सब लोग को टेम्पो में रुकवाने से हो जाएगा, सुपरस्टार गा रहे हैं अपना गाएं एकदम आराम से, खाली टेम्पो वाले को रुकिए, जो कमजोर है उसको पकड़िए, क्या सुपरस्टार कहां गा रहे हैं? ठीक है, कर ले आपकी बात, हम आपसे क्या बोले हैं कि ये साथ में बैठेंगे सब कोई, क्यों नहीं गा रहे हैं, किसको क्रेडिट जाता है ये पूछना चाहते हैं। तो आप कह रहे हैं नंद बाबा, चलिए बहुत सही है, चीजें मानते हैं हम भी। क्रेडिट इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना कि कोई लाइव आके गाली दे देगा उसको क्रेडिट दे दे हम। नहीं 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 हम कहां कह रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं बस। तो सारे सुपरस्टारों का क्रेडिट रहेगा कि भाई ये लोग कंट्रोल किए, आप आपका रहेगा, हमारा रहेगा, सारे सुपरस्टारों को क्रेडिट जाता है भाई, अच्छे से क्रेडिट हो गए। नहीं नहीं वो लोग चाहेंगे, जब तक वो लोग नहीं चाहेंगे तब तक कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। और जब तक बिहार सरकार नहीं चाहेगी जब तक कंट्रोल नहीं हो सकता है। दो ही आदमी कर सकता है, या तो कलाकार कर सकते हैं या तो बिहार सरकार कर सकती है, नहीं तो कोई नहीं कर सकता है। अगर हम चाह दे कि हमको अश्लील गाना है सब हमको कितना माँ बन कर गाली दे दीजिए और हम गाते रह जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाइएगा, ये भी सच्चाई है। क्या गलत बोल रहा है? यूट्यूब है, फ्रीडम है, गाते रह रहे हैं तो क्या हो रहा है? राधे श्याम कृष्ण को देख ही रहे हैं, जनता से कैसे बगावत कीजिएगा? अपने ने कसम खा लिया है गाते रहेंगे, जनता को ये जनता से बगावत कर रहे हैं, वही जनता को जवाब देना है ना, चाहे आप गाइए चाहे हम गाए चाहे कोई गाएगा, जनता मालिक है ना महाराज। हाँ जनता मालिक, जनता तो सब कुछ देख रही है, जो इतने सारे लोग देख रहे हैं वही मालिक है। हाँ यही लोग सब कुछ कर सकते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता है। तब अब खेसारी लाल यादव कसमें खा लेकिन हम गाते रहेंगे तो जनता को भी तो जवाब देना है ना। अगर पवन सिंह ढोरी चाटते रहेंगे तो कहाँ से हो जाएगा, ये भी तो जवाब ना होगा। नहीं होगा, उनको भी डूब जाना होगा, उनको भी डूब जाना होगा। देखिए आप सब जगह नाम ले रहे हैं, खेसारी लाल तो कहीं नाम ले रहे हैं, खेसारी लाल तो थोड़ी ना भोजपुरी को पूरा फिल्म में, बॉस फिल्म में इतना ज्यादा गंदा एक्शन किए थे और उस तरह बनाते फिल्म तो वो भी डूब जाते। सही बात है, खेसारी लाल यादव का फिल्म आया है अब, जो ये जो राउडी एक्सपेक्टर है उसका ट्रेलर देखे, एक नंबर ट्रेलर था उसमें, अच्छा स्टोरी अच्छा एक्शन, तो इस तरह से इस तरह से ना काम होता है। भोजपुरी के गाने आगे बढ़ेंगे, फिल्म आगे बढ़ेगा, तभी ना कल एकदम अच्छा बोलेंगे। आज नए यूट्यूबर आएंगे, नए कलाकार आएंगे, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा बोलेंगे, इसी सब चीज से ना, ना कि एक दूसरे को गाली देकर। नहीं 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 बस जितने भी लोग देख रहे हैं इन लोग से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अश्लील गाने को सुनना बंद करिए, और जो लोग भी गा रहे हैं अश्लील गाना उन लोग का विरोध करिए, चाहे कोई भी उनका विरोध करिए, हमें नहीं कहें कि इनका करिए उनका करिए। और जो लोग भी सोशल मीडिया पर आकर गाली गलौज कर रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उनपे भी आप लोग क्या करें, अब ये लोग फ्रीडम का जमाना है, जो भी सोशल मीडिया पर आकर हिट होने के लिए गाली गलौज कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं, फेमस होने का बहुत अच्छा जरिया है सोशल मीडिया, फ्रीडम नहीं होना चाहिए, हम बात को मानते हैं। आप आपके भी अधिकार है, मेरा भी अधिकार है, आपका अधिकार है, खाली है, सबका अपना अपना स्टाइल है। कोई कोई हिंदुस्तानी भाव को पसंद करता है तो कोई लोग को पसंद करता है, क्या चलिए चलिए आपसे लाइव जुड़े बहुत अच्छा लगा, और जितने भी भाई मेरे जुड़े हमको भी बहुत अच्छा लगा जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जितने लोग जुड़े उनको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े तहे दिल से शुक्रिया, कोशिश किए दोनों पक्षों का बात आपको सुनाने का।